नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग मना रहे हैं एक पूरा हफ्ता, पूरा सप्ताह चिड़ियों के नाम, स्पैरोज के नाम, गौरैया के नाम। और सच में कहूँ तो शायद ये हमारे अपने नाम पे है कि हम जो समझ रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पे एक इशू है। कि जहाँ पे हम गोरैया को बुला सकते हैं। तो मैम, इसके बाद बात करने के लिए मंच और माइक आपके पास। थैंक यू अरुण जी। आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्पैरो के बारे में। स्पैरो मतलब छोटी चिड़िया, और छोटी चिड़िया मीन्स हमारी प्यारी गोरैया। सो गोरैया के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि इसमें क्या क्या हम कहते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं। हम बात कर चुके हैं इसमें क्या क्या रीजंस हैं कि ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है। ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है क्योंकि हमारे इनके लिए खाना नहीं हम छोड़ रहे, सबसे ज्यादा इसलिए कि ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। इसके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जी, इसलिए हाउस हम स्पैरो स्पैरो कहते कहते हैं हैं इसको। इसको तो हम अपने हम अपने घरों घरों में में वो छोटी वो छोटी छोटी निचेस निचेस नहीं नहीं छोड़ते छोड़ते जहां जहां पर पर आके आके गोरैया गोरैया अपना अपना घोंसला घोंसला बनाती बनाती थी। थी। आजकल आजकल हम हम मैच मैच बॉक्स बॉक्स टाइप टाइप ऑफ ऑफ हाउसेस हाउसेस बना बना रहे रहे हैं हैं जिसके जिसके कारण कारण की की हमारी हमारी गोरैया गोरैया हमसे हमसे दूर दूर जाती जाती जा जा रही रही है। है। और और कुछ 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 रीजंस रीजंस इसके इसके ये ये भी भी कहते कहते हैं हैं कि कि हमारे हमारे पास पास यहाँ यहाँ पर पर टेलीफोन टेलीफोन टावर्स टावर्स लग लग रहे रहे हैं, हैं, कुछ कुछ हमारे हमारे इंटरनेट इंटरनेट टावर्स टावर्स लग लग रहे रहे हैं, हैं, इनकी इनकी जो जो सिग्नल्स सिग्नल्स हैं हैं वो वो भी भी हमारे हमारे पास पास परेशान परेशान कर कर रही रही है। है। और और कुछ कुछ कहते कहते हैं हैं कि कि इसके इसके पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड से से हमारे हमारे जो जो इसके इसके एग्स एग्स हैं हैं वो वो पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड से से इन्फेस्ट इन्फेस्ट हो हो रहे रहे हैं, हैं, तो तो उसके उसके कारण कारण हमारे हमारे पास पास ये ये गोरैया गोरैया नहीं नहीं आ आ रही रही है। है। बट बट फिर फिर भी भी गोरैया गोरैया को को वापस वापस बुलाने बुलाने के के लिए लिए हम हम कुछ कुछ पौधे पौधे भी भी ऐसे ऐसे हैं हैं जिन जिन पे पे गोरैया गोरैया ज्यादा ज्यादा देखी देखी गई गई है। है। ये ये भी भी हमारा हमारा एक एक स्टडी स्टडी का का पार्ट पार्ट था था कि कि कौन कौन से से पौधों पौधों में में हमारे हमारे पास पास स्पैरोज स्पैरोज ज्यादा ज्यादा आती आती है। है। सो सो हमने हमने देखा देखा कि कि कहते कहते हैं हैं कि कि फार्म फार्म लैंड लैंड स्पैरो स्पैरो जो जो है है 1980 1980 से से 1995 1995 तक तक के के बीच बीच में में बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कम कम होना, होना, 60% सिक्सटी कम परसेंट हो कम हो जाना। जाना। रादर रादर अगर अगर हम हम ध्यान ध्यान से से देखें देखें तो तो हमारे हमारे पास पास ये ये जो जो गोरैया गोरैया है है ये ये अर्बन अर्बन एरियाज एरियाज में में से से तो तो लगभग लगभग खत्म खत्म ही ही हो हो चुकी चुकी है, है, बिल्कुल बिल्कुल एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वाले वाले एरिया एरिया लेवल लेवल पे पे चली चली गई गई है। है। बट बट अब अब जो जो कुछ 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 जगह जगह पर पर है, है, जैसे जैसे पिछली पिछली बार बार हमारे हमारे पास पास लॉबजेंग लॉबजेंग कह कह रहे रहे थे थे कि कि हमारे हमारे पास पास मैडम मैडम ये ये जो जो चिड़िया चिड़िया है है हमारे हमारे एरिया एरिया में में कैसे कैसे तो तो काफी काफी है, है, पर पर कुछ 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 साइट्स साइट्स हैं हैं जहां जहां पर पर ये ये गोरैया गोरैया अभी अभी भी भी मिलती मिलती है। है। तो तो हम हम एक एक इसका इसका रीजन रीजन ये ये भी भी था था कि कि इसमें इसमें एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस प्रैक्टिसेस में में हम हम बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज यूज कर कर रहे रहे हैं। हैं और और पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड जब जब हम हम यूज यूज करते करते हैं हैं तो तो सिर्फ सिर्फ गोरैया गोरैया के के लिए लिए नहीं, नहीं, अपने अपने लिए लिए भी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट क्रिएट कर कर रहे रहे हैं। हैं। अपने 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 लिए लिए भी भी हम हम उसमें उसमें काफी काफी सारे सारे केमिकल्स केमिकल्स प्रोड्यूस प्रोड्यूस डालते डालते जा जा रहे रहे हैं। हैं। तो तो एक एक ये ये क्वेश्चन क्वेश्चन था था पिछली पिछली बार बार कि कि हम हम गोरैया गोरैया को को कैसे कैसे अट्रैक्ट अट्रैक्ट करें। करें। तो तो मैंने मैंने देखा देखा कि कि हम हम गोरैया गोरैया को को कौन कौन से से पौधे पौधे लगा लगा के के अट्रैक्ट अट्रैक्ट करें। करें। तो तो वो वो कहते कहते हैं हैं कि कि स्पैरोज स्पैरोज लव लव थिक थिक एंड एंड टॉल टॉल ग्रासेस। ग्रासेस। ये ये जो जो ग्रासेस ग्रासेस हैं हैं टॉल टॉल जो जो हमारे हमारे ग्रैमिनी ग्रैमिनी फैमिली फैमिली में में हैं, हैं, इसमें इसमें भी भी गोरैया गोरैया इसके इसके भी भी दाने दाने खाती खाती है, है, और और उस उस ग्रासेस ग्रासेस में में से से वो वो इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स भी भी खाती खाती है। है। तो तो दोनों दोनों ही ही ये ये वाले वाले ग्रासेस ग्रासेस जो जो सॉर्गम सॉर्गम स्पेशली स्पेशली है है हमारे हमारे पास, पास, इसके इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल बिल्कुल पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं नहीं है। है। तो तो देखा देखा गया गया है है जो जो रिवर रिवर के के साइड साइड पे पे ड्राई ड्राई एरियाज एरियाज आ आ जाते जाते हैं, हैं, और और वहां वहां पर पर जहां जहां पर पर सॉर्गम सॉर्गम बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा ग्रो ग्रो कर कर जाता जाता है है वहां वहां पर पर भी भी गोरैया गोरैया काफी काफी ज्यादा ज्यादा पाई पाई जाती जाती है। है। फिर फिर अर्बन अर्बन एरिया एरिया में में टिपिकली टिपिकली गोरैया गोरैया बोगनविलिया बोगनविलिया के के ऊपर ऊपर बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा पाई पाई गई गई है। है। बोगनविलिया बोगनविलिया के के लिए लिए शायद शायद इसलिए इसलिए क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें कांटे कांटे हैं, हैं, और और कांटे कांटे उसके उसके उसको उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते करते हैं हैं, और और उसके उसके एग्स एग्स को को भी भी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते करते हैं हैं दूसरे 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 जो जो प्रीडेंट प्रीडेंट बर्ड्स बर्ड्स हैं। हैं। सो सो ये ये एक एक बोगनविलिया बोगनविलिया की की काफी काफी ज्यादा ज्यादा रिसर्च रिसर्च आ आ रही रही थी थी कि कि दिल्ली दिल्ली में में भी भी ये ये कहा कहा गया गया कि कि अगर अगर जहां जहां पर पर बोगनविलिया बोगनविलिया ग्रो ग्रो किया किया इन्होंने, इन्होंने दिल्ली दिल्ली में में एक एक टाइम टाइम था था जहां जहां पर पर बोगनविलिया बोगनविलिया की की खूब खूब प्लांटेशन प्लांटेशन हुई हुई है है पीछे। पीछे जहां जहां पर पर वो वो प्लांटेशन प्लांटेशन बोगनविलिया बोगनविलिया की 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 है है इन्होंने, इन्होंने, वहां वहां पर पर फिर फिर भी भी कहीं 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 उन्होंने उन्होंने स्पैरो स्पैरो देखी देखी है। है। ये ये हमारे हमारे कुछ कुछ रिलेटिव्स रिलेटिव्स हैं, हैं, उन्होंने उन्होंने हमारे हमारे को को रिपोर्ट रिपोर्ट किया किया कि कि बोगनविलिया बोगनविलिया जहाँ जहाँ वो वो उनका उनका ट्री ट्री है है और और जो जो वेल वेल है है उसके उसके आसपास आसपास गोरैया गोरैया उन्होंने उन्होंने देखी देखी है, है, दिल्ली दिल्ली जैसे जैसे सिटी सिटी में में भी। भी फिर फिर कुछ कुछ देसी देसी बेरिया बेरिया इसकी इसकी रिपोर्ट रिपोर्ट ऐसे ऐसे आई आई है, है, इस इस
हम बेर को एक मेडिसिनल प्लांट की तरह लेते हैं। बेर सीजनल बेर, जो मोटे वाले बेर नहीं है, जो सीजनल छोटे बेर हैं, वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है और लिवर के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। तो चिड़िया भी इस एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसको खाना भी मिलता है और प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो जो 8 सेक्टर में मैं बात कर रही थी कि 8 सेक्टर में हमारे पास कुछ चिड़िया हैं, वहां पर भी वो बेरी के पेड़ पर ही पाई गई हैं। फिर एक इमली का ट्री है। इमली के ट्री में हमारे हम जब गोल्डन टेम्पल में, ये पिछली बार भी मैंने स्लाइड दिखाई थी कि गोल्डन टेम्पल में इमली के पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया हैं, क्योंकि इमली का पेड़ भी ऐसा है जो कि बहुत सीधा और थोड़े छोटे कांटों के साथ है। सो ये इसमें भी बहुत सारी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ चिड़िया हरमंदर साहब में देखी गई हैं। इसके अलावा मैंने कुछ चिड़िया मलबरी ट्रीज के ऊपर भी, तो हम इन सारे पेड़ों से अगर हम देखें तो बेसिकली वहां चिड़िया ग्रो कर आ रही है, या तो उसको खाना मिल रहा है वहां से, या उसको प्रोटेक्शन मिल रही है उसके एग्स को, उसका वो जो वो बना रहे हैं अपना नेस्ट उसके लिए। दोनों में से एक चिड़िया एक चीज जरूरी है। तो मलबरी ट्रीज भी हमारे घर के पीछे जो हमारे पास आई हैं, उसके बाद मैंने 38 में और भी जगह देखी, वहां पर भी ये मलबरी ट्रीज के ऊपर ग्रो कर रही थी। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जहां पर कि ये वाले प्लांट्स के ऊपर चिड़िया रिपोर्टेड है। अगर हम देखें यूकलिप्टस ट्री, मैंगो ट्री, तो हमने इनमें इनके ऊपर चिड़िया नहीं देखी है अभी तक। तो चिड़िया जो है वो बेसिकली जो ये प्लांट्स है, ये इनको या तो फ्रूट्स दे रहे हैं, सीड्स दे रहे हैं फूड के लिए, या नेस्टिंग हैबिटेट दे रहे हैं, या शेल्टर दे रहे हैं फ्रॉम हार्श वेदर, या फॉरेजिंग ग्राउंड्स वेयर स्पैरो अलोंग विद अदर बर्ड्स लाइक वेबलर्स कैन हंट फॉर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स भी इनकी अर्ली ग्रोथ एज के में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नाइट्रोजन सोर्स ये इंसेक्ट से लेते हैं। अगर आप अपने घर में कोई गोरैया का बच्चा पालने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आप उनको खाना तो खिला देते हैं पर इंसेक्ट नहीं दे पा सकते। तो इंसेक्ट इनकी नाइट्रोजन सोर्स, मतलब प्रोटीन की बॉडी बनाने के लिए, इनके फेदर्स बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये भी एक देखा गया है, और ये हम इसीलिए हम कहते हैं कि हाउस स्पैरोज आर इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफ द ऑफ एन एरिया, देयर डिसअपीयरेंस कुड बी लिंक्ड टू इकोलॉजिकल चेंजेस, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसके बाद एक पिछली बार हमारी थोड़ी सी बात हुई थी कि ये स्पैरोज को रेड लिस्टेड स्पीशीज में डाला गया है कि नहीं। स्पैरोज हमारा काफी देर तक, काफी 2009 तक इसको बिल्कुल किसी रेड इसमें नहीं डाला था, रेड लिस्ट में, थ्रेटेंड स्पीशीज में नहीं, लीस्ट कंसर्न में थी रादर ये, क्योंकि 2009 तक हमने अंदाजा ही नहीं लगाया कि हमारी स्पैरो हमसे बहुत दूर जा चुकी है। और जब मैं छोटी थी तो हमारे पास स्पैरो की फ्लॉक्स उड़ती थी, तो जब तक 2009-10 तक हमने रियलाइज किया कि स्पैरो हमारे पास बहुत कम हो गई है, तब तक ये लीस्ट कंसर्न में थी 2009 में। लेकिन 2012 में ये कहते हैं कि IUCN लिस्ट के अंदर आ चुकी है, बट लेटेस्ट डाटा जिसका क्या है, क्या वो लिस्ट में है या नहीं है, अभी लेटेस्ट डाटा इसका अपडेटेड नहीं मिला गया मिला है। तो मैंने किसी को बोला भी है कि मुझे नेट पे नहीं मिला है, आप मुझे इसके बारे में जरूर पता करके बताइए कि ये क्या ये आजकल रेड लिस्ट में है या नहीं है। बट इतना श्योर हूँ 2009 तक नहीं था, बट 2012 की ये लिस्ट में ऐड हुआ था। बट कुछ कह रहे हैं कि अभी किसी ने मुझे बताया था कि अरुण जी से में भी मेरी बात हुई थी कि ये आजकल ये लीस्ट कंसर्न में है, बट मुझे अभी इस पे शक है, तो अब मैं इसके ऊपर कोई और नहीं अपना कमेंट देना चाहूंगी। एक हम अर्बन ग्रीन डेजर्ट्स बहुत ज्यादा बनाते हैं, इसके में हम बिना देखे कि कौन सा प्लांट लगा रहे हैं, उसका क्या किसी को बेनिफिट हो भी रहा है, किसी चिड़िया को, किसी इंसेक्ट को, या किसी को, हम अपने अकॉर्डिंगली लगाते जाते हैं। जैसे कि ये एक लेंटेना एक स्पीशीज है, ये हमने लगाई है कुछ, ये वीड की तरह माना जाता है, अदरवाइज दिस इज अ वीड, और ये वीड भी हम सब जगह, इवन लेक के ऊपर हमने इसको खूब सारा लगा दिया है। तो हम जहां भी देखते हैं तो ये सारा जो लेंटेना है, ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट है कि ये हार्डी स्पीशीज है और इसको पानी नहीं देना पड़ता, इसको प्रोटेक्शन भी नहीं देनी पड़ती, और ये वाइल्ड ग्रोथ करता है, इसीलिए इसको वीड माना जाता है, और ये इंडियन भी नहीं है। सो इन तीन चीजों के कारण ये हमारे को, हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है, तो हम इसको लगाते ही जा रहे हैं, क्योंकि इसके फूल भी बहुत सारे हैं, बट इसके ऊपर भी हमने एक स्टडी अभी शुरू की है। तो फिर से वही बात है कि हम ड्विंडलिंग, इसका नंबर इसलिए ड्विंडल कर रहा है क्योंकि हम रैपिड अर्बनाइजेशन कर रहे हैं और अनप्लान्ड ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहे हैं।
सो दिस ये आज मेरी तरफ से है कि ये मैंने आज जो पॉइंट्स आपको बताने थे उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात करेंगे कि आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, हम और कौन से पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। रीप्लांटेशन उसकी करनी पड़ी होगी। गुड इवनिंग सर। सर जैसे अभी आपने बताया कि हम जो नेचर को ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब अलग अलग डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो सारा डेवलपमेंट नहीं हो रही। हम इंसान है जो उसको ये बोला जाता है कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है पूरे उसमें, ऑर्गेनिज्म जो भी है पूरे किंगडम में उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर मेरे हिसाब से वो 101% ना वो गलत है, क्योंकि इंसान है जो अपनी अपनी डेवलपमेंट कर देता है, दूसरों की डिस्टोर्शन में लगा रहा है। हमने अभी अभी जब थोड़े दिन पहले भी 5G की टेस्टिंग चल रही थी जब, तो उसमें मिलीमीटर वेव्स का यूज किया जाता है ना, तो ह्यूमन बींग्स के लिए वो जो स्किन है और जो हमारी वो है आईज के, उनके कैंसर के वो कारण है। वो हम अपनी अपनी ही देख रहे हैं कि हमें इस चीज का फायदा है, हमें इस चीज का नुकसान है, लेकिन हम एनिमल्स के बारे में नहीं देख रहे बिल्कुल भी ना। और बिल्कुल ऐसे ही सर बिल्कुल इसी
मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि इस बार मैं वो लेक के पीछे वाला एरिया है जहां पर उन्होंने बर्ड सेंचुरी बनाई है, वहां गई तो उन्होंने एक कोट लगाया हुआ था कि व्हेनेवर ह्यूमंस गो समवेयर दे लिटर एंड एनिमल्स व्हेनेवर दे गो समवेयर दे डू नॉट लिटर, प्लीज बिहेव लाइक एनिमल्स। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हम सबको एनिमल्स की वजह से भी कुछ सीखना जी चाहिए, जी बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक था। साहिल ने बिल्कुल ठीक कहा, और साहिल हमें ये सब कुछ पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, इसीलिए हम अपने एम्बेसडर्स आपको बना रहे हैं कि आपको पता होगी एक बार आपने देखा कि हाँ स्पैरो की बात हो रही है तो आपको बेसिक आइडिया आ गया, देन यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन दैट एंड देन यू कैन एक्ट एज आर एम्बेसडर्स। अगली जनरेशन में आपने ही ये बात लेके जाना है, इसीलिए मैं आप पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हूँ। तो थैंक यू साहिल। एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से समथिंग? वन मोर थिंग मैम, जैसे कि ये भी स्पैरो की बात हुई थी तो मैं कुछ साल पहले, जिसके अभी मैं गांव में रहते हैं ना, तो कुछ साल पहले एक वुड पिकर के जैसा ही एक, जिसको हुप्पू बोलते हैं ना, जिसकी एक लॉन्ग बीक होती है और उसके ऊपर जैब्रा क्रॉसिंग जैसी, वो भी नहीं आजकल दिखाई देती बिल्कुल भी, लेकिन वो जब आता था तो हम बहुत खुश होते थे कि इस तरह गया और ये नीचे जमीन में अपने वो कीड़े मकोड़े उनको देख रहे हैं और उनको उठा रहे हैं, लेकिन वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है साहिल, ये भी एक पॉइंट है। हमें तो स्पैरो डे के जगह एक दिन हुपी डे बनाना चाहिए, एक दिन स्पैरो डे बनाना चाहिए। आपको मालूम है इवन जो क्रो है, हमारा क्रो भी सिर्फ एक ही ऐसा प्लांट बर्ड रह गया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्लियर करता है, तो हमारे पास क्रो भी कम होता जा रहा है। वो भी अगर आप क्रो के ऊपर बढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जो हुपाई की बात आपने करी है, मतलब इतना मेजेस्टिक वो बर्ड है, इतना मेजेस्टिक है, अगर आप उसको देख लें तो घंटों उसको देखते रहें, उसको टक टक करते हुए देखते रहें, और जब उसकी कलगी खुल जाती है और जब वो उड़ता है तो क्या कमाल का बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है। वी आर फॉर्चुनेट कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी भी 2 दिन पेयर हैं और यहाँ वो दिख जाता है। अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं डेफिनेटली उनको फील्ड विजिट करवा सकता हूँ, और हालांकि वो सीजनल ऐसा हर समय नहीं दिखते, किसी सीजन में ही दिखते हैं, बट डेफिनेटली हम फील्ड विजिट करके काफ़ी सारे बर्ड्स देख सकते हैं उस दौरान। और वी आर फॉर्चुनेट कि हुपई अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में है, 14 के कैंपस में तो खैर अब हमने नहीं देखा, 25 के कैंपस में अभी 2 पेड़ हमने देखे हैं। तो बहुत बढ़िया साहिल, आपने हुपई का नाम लिया, और मैम आपने बिल्कुल सही कहा, हमें डेफिनेटली ऐसे तो डेज की सीरीज बनानी चाहिए, कभी सारे बर्ड्स ही, जैसे हमने कहा कि बड़े कीमती हैं और हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे करके निकलते हुए चले जा रहे हैं। जी, तो और कोई हमारे साथ कोई अपनी बात शेयर करना चाहेगा? हमारे साथ यहाँ यस इशित हैं, सर, वो भी अपनी बात एक रखना चाह रहे हैं अपने सामने। हाँ जी अकलव्या, पहले आप कहिए। लाइक आजकल जैसे समर्स आ रही हैं, तो जैसे इतने सारे बर्ड्स वगैरह होते हैं, उन्हें भी आजकल पानी पीने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती। पहले पॉन्ड्स वगैरह होते थे, जगह जगह पर रिवर्स होती थी, छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते थे हर एक सिटी में। आजकल उन्हें सारा कवर करके उनको बिल्डिंग्स वगैरह बना दिए हैं। और ये जो बर्ड्स होते हैं, मैंने भी थोड़े दिन पहले देखा था, एक छोटा सा मतलब सीवेज पे पानी इकट्ठा हुआ था, बर्ड वहां से पानी पी रहा था। तो आजकल लोग इतना भी नहीं करते कि जैसे पानी का कोई ऐसे मग वगैरह भर के या कोई पॉट भर के रख दे पानी का बाहर, तो लोग समझते हैं कि नहीं उससे गंदगी फैलेगी, बर्ड जाके गंदगी मचाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। अब जैसे हमें प्यास लगती है, हम तो जाके मांग लेते किसी से, पर हम एनिमल्स वगैरह बोलते नहीं है कभी भी, तो जी ऐसे अच्छा नहीं लगता देखे। और जैसे अभी ये साहिल भी कह रहे थे कि बर्ड जैसे 5G वेव से जैसे डेड हो रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम पहले एक मूवी भी आई थी, उसने इसी चीज़ को प्रमोट किया था। मेरे को मूवी का नेम नहीं याद है, पर उस मूवी ने इसी चीज़ को प्रमोट किया था कि जैसे बर्ड्स वगैरह मर रहे हैं, तो उसमें जो विलेन होता है वो बेसिकली बर्ड्स की पावर को लेके ही ये 5G मीटर वेव को कम कर रहा होता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने बताया कि आजकल, जैसे कल भी हमने कहा, तो मूवीज़ में भी ये कंसेप्ट लेने लगे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये हम सब पर ही इम्पेक्ट कर रहा है। और आपने इतना अच्छा सुजेशन दिया कि गर्मियों के दिन आ गए हैं, हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए, कोई ज़्यादा और नहीं कर सकता, तो अपनी छत पर कटोरा भर के पानी का ही रख दें, कोई गली में रख दें, अपनी जो मुंडेर है उसके ऊपर रख दें, जहाँ बर्ड्स आते हैं वहाँ रख दें, सो दैट कि जो प्यासे जानवर हैं, जो प्यासे पंछी हैं, उनको भी पानी मिल सके और वो भी अपना जीवन अच्छे तरीके से जी सकें। बहुत बढ़िया अकलव्य, ये बहुत बढ़िया सुजेशन है, एंड मैं काफ़ी देर से अपनी छत पे वो रखता भी हूँ,
और हम लोग कई तरह के काम और भी करते हैं इसमें, और मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी सभी इसमें शामिल होंगे और अपनी छत पे पानी से भरा कसोरा जरूर रखेंगे। बहुत बढ़िया। इशित, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जैसे हम जैसे मेरे पापा जैसे नेचर वॉक्स पे जाते हैं, कभी कभी वो मेरे को भी ले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, जैसे वहाँ पे बहुत सारे स्पैरोज भी देखे हैं मैंने। मैं चाहता हूँ कि वो वापस, जैसे आपने कहा कि वो लोगों के आसपास ही रहने के लिए बनी है, तो वापस वो लोगों के आसपास ही आ जाए। जी, तो आप ये चाहते हैं, मैं यही दुआ करता हूँ कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो और हम सब लोग जो सुबह फिर से उन्हीं की चहचहाट से उठें। और हालांकि ये बड़ी अब ऐसी बात है कि जिसको सोचते हो भी लगता है कि कह तो रहे हैं पर क्या कभी ऐसा हो पाएगा। जितने भी आसपास के पेड़ हैं, अभी हम लोग हिमाचल पे हमने एक सेशन किया था, हिमाचल के पहाड़ जो कट रहे हैं, जो वहाँ की ग्रीनरी को ख़त्म किया जा रहा है, इवन हिमालय को भी अब वो रिस्पेक्ट नहीं दिए जा रही है क्योंकि इतना काट पीट वहाँ पे हो रही है। तो ये सारे सेशन जो हमने किए थे, एक बात यही निकल के सामने आते, बड़ा मुश्किल लक्ष्य हो गया हमारे लिए अभी ये कि हम, लेकिन फिर भी हम सबको चाहिए कि इस तरह की बातचीत होती रहे, इस तरह हम लोग इकट्ठे होते रहें और बातचीत करके नए नए सुजेशन निकलते रहें। ये जो नई आने वाली जनरेशन है, ये सेंसिटाइज होती रहे और आगे के आगे इस बारे में बात होती रहे। तो अगलव्य, आपका बहुत धन्यवाद। इशित, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्दों में आपने हमें बताया। अब कोई और अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कनिका, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुस्कान ट्रू जी, मुस्कान आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, रिया, मेन तो ये है कि हम ह्यूमंस जिन एनिमल्स से हमको बेनिफिट मिलता है, हम उन्हीं को ही कल्चर करते हैं, उन्हीं को ही ज्यादा मतलब ब्रीड वगैरह कराना, उन्हीं से बेनिफिट लेते हैं। जिनसे उन्हें कुछ है नहीं तो उनका हम ध्यान ही नहीं रखते। जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप देखना कि कैसे वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। कैसे हम स्पैरो तो कहते हैं, लेकिन आमतौर पे जो कुछ लोग होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि इसका मेरे से क्या मतलब है भाई, है ना। जैसे अभी आपने रिया जी ने कहा कि ऐसे जो हमें यूजफुल लगते हैं हम उसी पे पर काम करते हैं। देखिए, इस वक्त पे आप जो एक डिग्री कर रहे हैं या पढ़ लिख के हैं, तो अल्टीमेटली आप एक नौकरी चाहेंगे कि एक नौकरी मिल जाए, अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ हो जाए। लेकिन अगर सब कुछ मिल गया और एनवायरनमेंट में हवा नहीं मिली तो क्या होगा? सब कुछ मिल गया लेकिन पानी नहीं मिला वहाँ, सब कुछ मिल गया लेकिन हमें जो तनख्वाह आती थी उसका आधा हिस्सा डॉक्टरों को देना पड़ गया, सब कुछ मिल गया लेकिन जब हम ऐसे शहर बन गए जहाँ 15 15 20 20 25 25 किलोमीटर दूर ऑफिसेज हैं, रोज का वो 2 3 घंटे वो उसी में ही हमारे जाने लग गए समय, सोचिए क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे हम लोग जिंदगी को। आजकल ये ट्रेंड हो गया है बड़े शहरों का, और अखबारों में या टीवी पे या ऐसी बहुत सारी खबरें, जो लोग रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, ये बड़ा आम हो गया कि उनकी लाइफ स्टाइल इस तरह से हो गई। सुबह शाम 2 2 घंटे अगर ट्रैफिक में रहा जाएगा तो क्या होगा हमारे लंग्स का। और मैं आज ही एक वीडियो मैं देख रहा था, मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा सभी से, उसमें थी इंसान की 10 भारी गलतियाँ, कि जो 10 भारी गलतियां उन्होंने करी क्या। तो उसमें एक 5वें के 7वें नंबर पे था कि चाइना में चिड़ियों को मार दिया गया था। मतलब ये गूगल करिएगा तो शायद आपको वीडियो में मिल जाए कि उनको जो चिड़िया, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उन्होंने वहां पे सारी स्पैरोस खत्म कर दी थी, उनको लगा कि वो उनके राइस फील्ड्स खत्म कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक पूरा कुछ साल 5 6 साल उनकी लड़ाई चलती रही कि कोई भी स्पैरो दिखती थी उसको मार देते हैं थे। तो फिर जैसे वो सारे स्पैरोस खत्म हो गए तो वहां पे लोग कष्ट ज्यादा हो गए। फिर जितना पहले नुकसान हो रहा था उससे तिगुना नुकसान होने लग गया। अब आज की डेट में चाइना स्पैरोज इंपोर्ट कर रहा है बहुत सारे कॉन्टिनेंट से। तो देखिए, स्पैरो को इम्पोर्ट कर रहा है चाइना बिकॉज उन्होंने एक बार पहले स्पैरोज को मार दिया कि हमारी फसल ख़राब हो जाएगी, ये ख़राब कर देंगे। लेकिन जैसे ही फसल ख़राब करने के लिए के कह के उसको मारा, तो लोकस्ट जो टिड्डी दल जिसको हम कहते हैं, कि वो इतना बढ़ गया कि उसने तिगुना नुकसान कर दिया फसल। यानी हमें
वो जो चक्र बनाया है नेचर ने, जो फूड चेन बनाया है नेचर ने, उसको समझना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि हर एक जीव का अपना अपना महत्व होता है। और स्पैरोज का एक इससे बड़ा एग्जांपल और क्या मिलेगा, जो अगर आप इसको थोड़ा गूगल करके रिसर्च पेपर्स देखेंगे तो कितना नुकसान उसमें हुआ, और वर्स्ट फेमाइन वहाँ पे हुआ था चाइना में, 70 ट्रिलियन 70 ट्रिलियन। लाइक ही हैज द डेटा ऑल्सो सी। मैं मुझे नहीं पता था कि इसने भी देखा हुआ है ये वाला वीडियो। और इसने मैंने ये कोशिश करी है कि ये ऐसे फैक्ट्स जो हैं ये समझते रहें और इनको पता हो एनवायरनमेंट के बारे में। सो आई एम हैप्पी दैट कि ही हैज़ दैट नॉलेज विद हिम। तो मैम बहुत बढ़िया आज हमारी बातचीत हुई है और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल के आई हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में कुछ और अभी आता है इस बातचीत के बाद तो कुछ कहिए, फिर हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलेंगे। आपका माइक मैम अभी। जो आपने जब आपने फूड चेन की बात की तो एक लेटेस्ट पेपर जो मैंने पढ़ा उसमें बहुत ही अच्छा सा एक दिया हुआ था, प्लांट्स का पेपर था। उसमें उन्होंने कहा कि अगर एक प्लांट है वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करता है, अगर एक प्लांट है उस पे किसी ने इंसेक्ट्स ने अपने एग्स दे दिए, अब उसका कैटरपिलर आया, कैटरपिलर ने क्या किया, उसके लीव्स खाने शुरू किए। जब वो लीव्स खाने शुरू किए तो उसने कुछ वॉलेटाइल केमिकल्स सिक्रीट किए लीफ ने, जो कि एयर में चले गए। उन केमिकल्स से बर्ड्स अट्रैक्ट हुई, जब वो बर्ड्स अट्रैक्ट हुई तो उन्होंने उस कैटरपिलर को खा लिया। तो प्लांट भी अपना एक प्रोटेक्शन करता है। तो ये मुझे बहुत ही एक सोचने में भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे प्लांट ने भी अपनी प्रोटेक्शन की और कैसे वो पूरा फूड चेन कैसे चला। कि पहले जी प्लांट लगा, खूब सारा लग गया, जब वो ग्रीन हुई तो इंसेक्ट उसमें आके एग्स दिए, कैटरपिलर्स बने, कैटरपिलर्स ने प्लांट को खाना शुरू किया। अब वो ओवर ना खा ले इसलिए उसने प्लांट में कुछ केमिकल्स रिलीज किए एयर में, और उस केमिकल्स के साथ बर्ड्स अटैक हुए और उन्होंने बर्ड्स ने कैटरपिलर को खाया। तो मुझे एक डिफरेंट सा एग्जांपल और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मिला। और मतलब हम इतने लेवल पे रिसर्च हम करते ही नहीं, हम तो रिसर्च एक्चुअली ये रिसर्च लेवल हर एक कंट्री का अपना है। जो इंडिया में प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या जो चंडीगढ़ में, हम इतना भी सोच सकते हैं कि जो चंडीगढ़ में है उस पर हमें ही काम करना है जो यहाँ के लोग हैं। ये वर्ल्ड डाटा नहीं हम लेना चाहते, पर हम तो खुद भी काम अभी बहुत करने वाला है और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सारी करने वाली है। इसीलिए मैं सब बच्चों को यही सबको अपने साथियों को यही कहती हूँ कि आप सबको पता होगा तो हम डॉक्यूमेंटेशन ठीक से कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। और जो आपने प्लांट्स की बात करी है तो मैं सबसे जो इंटेलिजेंट स्पीशीज मेरे ख्याल से हम हैं नहीं, हम दिखने में ही लगते हैं, हम अपने आप को इंटेलिजेंट कहना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप उनके नीचे जो रूट्स हैं वो फंगस के जरिए कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उनकी एकॉस्टिक साउंड्स के ऊपर अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें तो इट्स अमेजिंग, वन अमेजिंग वर्ल्ड है जिसके बारे में शायद अभी तक हम सोच भी नहीं पा रहे कि वो कैसे करते हैं। तो एक तरह का जैसे हम टेलीपैथी की बातें करते हैं, एक जगह से दूसरे के जाने की बातें करते हैं, हमें तो लगता है कि प्लांट बस जहाँ खड़ा है उतनी की जगह में घेरे खड़ा है, लेकिन उसका जो ऑरा है, वो जो ऑरा की हम बात करते हैं, उसकी कहाँ कहाँ तरंगें जाती हैं, तो क्या खूबसूरत बातें हैं वो करने के लिए। बहुत ही बढ़िया। एक एक घटना शेयर करने के साथ साथ फिर हम इसको क्लोज करते हैं आज का। वो घटना ऐसी है कि मैं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे देखने में बहुत मज़ा आया और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिकॉज जो उसको रिकॉर्ड करने के लिए इक्विपमेंट चाहिए थे या मेरे इक्विपमेंट उसके सामने फेल हो गए। मैं ऐसे एक दिन बोटेनिकल गार्डन में पहुंचा, जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे सामने एक सदाबहार का पौधा था। तो सदाबहार का पौधा है, और ये मान लीजिए सदाबहार का पौधा है तो इतने के डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस है 1 फुट 1.5 फुट का, और उस डिस्टेंस पे फेंसिंग है, आयरन फेंसिंग है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से कुछ छोटे छोटे स्पाइडर्स हैं जो एक पौधे से 1.5 फुट की दूरी पे जा रही हैं। तो मेरे को पता लगा ये तो अभी हैच हुआ, लग रहा है कि क्लच है कोई, अभी हैच हुआ है इनका स्पाइडर्स का, तो ये यहाँ से जा रहे हैं। बट देन आई रियलाइज कि यहाँ से जाने के लिए इनको तार किसने दिया, कि 1.5 फुट की जगह है तो इतना सारा है, और वो एक जब हैच होगा तो मतलब उसमें तो कई हजारों थे, ऐसा लगा उनकी काउंटिंग देख के लगा हजारों हैं। तो वो हजारों के लिए तार जो बनाए गए, जो सड़कें बनाई गई, उसकी मदर ने बनाई, ये भी समझ आ गया। फिर मैंने फेंसिंग पे देखा तो उसके ऊपर और कई सौ स्पाइडर मेरे को मिल गए, कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके वहां पे गए हैं, वहां काफी सारा जाला भी मिल गया। और फिर मैंने देखा अपनी जिंदगी का अद्भुत नजारा, वो जो स्पाइडर्स वहां फेंसिंग पे थे वो उड़ गए, उड़ गए, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि उड़ गए, एंड आई वॉज ब्लोन अवे, आई कि कैसे उड़ गए वो, मैं आपकी बात सभी सुन रहा हूँ। तो
मैं एकदम से हैरानी से मैंने अपने सारे इक्विपमेंट्स हटाए अपने आगे से कि भाई ये क्या हुआ, क्या आंखों ने क्या देखा मेरे कि उड़ कैसे गए। मैंने और ध्यान से देखा तो मैंने पाया ये सदाबहार का पौधा है, 1.5 फीट की दूरी पर है फेंसिंग, और आसपास 3-4 पेड़ हैं जो कम से कम 10-12 फीट की दूरी पर हैं। अब यकीन मानिए उस मदर ने, उस स्पाइडर ने, वो 10-12 फीट दूर पेड़ से जाला बांधा हुआ था उस फेंसिंग तक। और वो जो स्पाइडर्स थे, वो स्पाइडर्स जब जाले पे पहुंच जाते थे वहां से तार काट देते थे, और तार की टेंशन के साथ वो तार के साथ अपनी जगह पहुंचते थे। क्या तो यानी उस मदर ने ना सिर्फ उन बच्चों को हैचिंग के लिए वहां तक जाने का रास्ता दिया, लेकिन ये कहते हैं ना जैसे अड्डा भी एलोकेट कर दिया, तो जहाँ तेरी ये जगह है, तेरी ये जगह है, उसने तार वहां तक बांध दी कि जो बच्चे वहां तक पहुंच गए आगे वो सर्वाइवल उनका चला जाए। और उनको उड़ते हुए देखना, मैं मतलब इट वॉज लाइक मेस्मराइजिंग पार्ट कि हो कैसे रहा है। इतनी टेंशन उस तार की कि एक जगह जैसी वो तार कटती थी तो एक झटके में वो कम से कम 3 फुट तो आगे वैसे पहुंच जाते थे, और फिर 3 फुट के बाद उनका स्ट्रगल था कि 7 फुट उन्होंने उस तार के सारे चढ़ना है। और इतनी मतलब मेस्मराइजिंग बातें होती हैं नेचर में, तो उन इतनी इंटेलिजेंट चीज़ों के सामने हम कहाँ इंटेलिजेंट खुद को कहते हैं। और उसका साइज अगर देखा जाए तो 12-12 फुट के 3 जगह से जाले ऐसे बिछा देना किसी भी बहुत बड़े इंजीनियर से कम नहीं होता, कम नहीं नहीं। होता। आप कुछ कह रहे थे? दुनिया में कुछ ऐसी स्पीशीज भी है जैसे कह रहे उड़ गया वो ना, स्पेशली उनकी मदर उनके पैराशूट बुनती है कि वो ताकि वो फिर जब भी हवा का झोंका आता है वो उसके साथ उड़ जाते हैं। और जो आप कह रहे हो ना कि वहां से दूर तक कैसे करा, वो स्पाइडर वहां से अपना जैसे पैरा जंपिंग होती है ना कि वहां से वो रस्सी बांध के नीचे कूदते हैं, वो अपना वहां से धागा लगाकर वो कूदती है वहां तक, फिर वहां पे जाके लगाती है, फिर उसको मजबूत करती है। बिल्कुल ऐसे करती है, उस मदर ने ऐसे किया होगा। लेकिन जो बच्चे वहां से गए थे तो पूरे धागे मैंने अपनी आंखों से देखे, वो धागे आगे तक लगे हुए मैंने देखे 12 फीट दूरी तक, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था, तो आई कुड सी दैट कि कितने महीन धागे वहां से लगे हुए हैं। और जैसा इशित ने बताया कि अगर धागा बुनना पड़े तो उसको वहां 12 फीट तक आने जाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वो 12 फीट ऊंचा दरख्त चढ़ेगी, वृक्ष पे चढ़ेगी, वहां से जंप करेगी, जंप करके उसको हवा का रुख तय करना है कि कैसे उसी पॉइंट पे वापस पहुंचना है ताकि वहीं तक वो जाला लगा सके। उसके आई साइट, उसकी इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कैसे सिंक में काम करता होगा, ये सोचना भी मेरे शायद बस से बाहर की बात है। बहुत बढ़िया मैम आज का सेशन, और बहुत बढ़िया हम लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। मेरे पास तो ऐसे खैर अब पिछले 7-8 साल समझिए, में इसको आप डॉक्यूमेंट भी कीजिए। मैम इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए जैसे मैंने, अच्छा मैंने आपसे कहा था कि मैं नेचुरल बायोडिवर्सिटी का एक थोड़ा डेमो भी दे दूंगा, तो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लें, आज नेचुरल बायोडिवर्सिटी का डेमो भी एक ले लें जरा सा। जी मैं अपनी स्क्रीन आपको प्रेजेंट करता हूँ, मुझे बताइएगा कि अगर आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है तो। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है मैम? जी तो मैं आपको एक ग्रुप का डेमो भी देता हूँ जहाँ हमने ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रखी हैं, और उसमें 1 लाख से ऊपर फोटोग्राफ हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट कर दी हैं, और बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं। मैंने ये जो आपको घटना बताई ये घटना भी डॉक्यूमेंट की है मैंने, लेकिन मैं उतनी ही डॉक्यूमेंट कर पाया जितने की मैं उसमें डॉक्यूमेंट के जरिए कर सकता था आगे। तो ये वो ग्रुप है नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के नाम से है, इसमें करीबन 10,500 के करीब मेंबर हैं अभी, और 99 कंट्रीज़ के लोग इसमें शामिल हैं। और मैं अगर आपको सिर्फ इसमें मीडिया और फोटोज़ दिखाऊं सिर्फ इसमें पहले, तो आप ये फोटोज़ देख सकते हैं। ये जो हुपई की आप बात कर रहे थे अभी, ये हुपई भी यहाँ पे दर्ज किया हुआ है। तो इसमें हमने जितना भी बायोडाइवर्सिटी का एरिया है, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, ये सारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड आपको मिल जाएंगे। इसमें मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन की खास बात बताऊं कि हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, इस कैंपस में 86 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज हमने स्पीशीज स्पॉट की हैं, और सबकी फोटोग्राफी करने के बाद किस सीजन में मिलती हैं वो सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट होकर आपको मिल जाएगा। ये आप जो सामने फोटोज देख रहे हैं पूरी तरह से क्लीन ग्रुप है, हम किसी भी बच्चे के सामने भी इसको खोल देते हैं, क्योंकि इसके सारे मेंबर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक ही सिंक में चलते हैं, और सिर्फ उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन की तरफ काम करने का निश्चय लिया हुआ है, और रिसर्च का वो सारा काम यहाँ पे चलता रहता है। तो मैं जितना नीचे करता चला जा रहा हूँ आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह का यहाँ पे काम है।
ये जितने बर्ड्स आप देख रहे हैं सारे के सारे बर्ड्स यहाँ डॉक्यूमेंटेड हैं इस तरह से। और आपको मैं थोड़ा सा और इसकी डॉक्यूमेंटेशन फीचर बताऊं जिसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। ये इसमें मैंने एल्बम्स बना रखी हैं, मैं इन एल्बम्स में आपको दिखाता हूँ और ये वीडियोज़ आपको दिखाता हूँ। ये कुछ वीडियोज़ हैं कि गौरैया कहाँ कहाँ आती है, ये बर्ड्स कैसे कैसे आते हैं, किसी के घर में पानी रखा हुआ था कैसे वो पानी में नहाने लगे, तो ये छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, वीडियो क्लिप्स हैं यहाँ बनाए हुए, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे जो एल्बम्स बनी हुई हैं इन एल्बम्स के अंदर आप ना देख सकते हैं। तो जितनी मैं बटरफ्लाइज की बात कर रहा हूँ, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, वो सबकी अलग अलग एल्बम यहाँ बनी हुई है, तो आप सारा कुछ इकट्ठा भी एक जगह पे उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से इस ग्रुप में डॉक्यूमेंटेशन का काम यहाँ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बटरफ्लाइज की एक एल्बम खोल रहा हूँ आपके सामने, तो आप यहाँ देखेंगे कि 242 फोटोग्राफ्स हैं इसमें सिर्फ बटरफ्लाइज की। आप देख पा रहे हैं मैम स्क्रीन पे मेरी? आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैम? जी सर, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं सर। जी, तो ये जैसे मान लीजिए छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये है हम ग्रास ज्वेल बटरफ्लाई जो हमारे यहाँ की सबसे छोटी बटरफ्लाई है, तो सबसे छोटी बटरफ्लाई एशिया की रादर सबसे छोटी बटरफ्लाई में काउंट की जाती है ये। तो ये अलग अलग तरह की यहाँ बटरफ्लाइज हैं और कौन से एरिया में मिलती हैं, किस तरह का हैबिटेट है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ नोट करते हैं कि कौन सी महीने में मिली, नवंबर को मिली, 2014 में मिली। यानी अगर लेमन एमिग्रेंट का हमने साइकिल देखना हो, लाइफ साइकिल देखना हो, तो हमें पता है कि नवंबर के महीने में ये मिल जाएगी हमें। इसी तरह ये कैस्टर है, कैस्टर बटरफ्लाई भी नवंबर के महीने में खींची गई। तो इस तरह कौन सी बटरफ्लाई सारा साल मिलती हैं, कौन सी बटरफ्लाई कौन से महीने में मिलती हैं, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन हम यहाँ पे करते हैं। तो मैंने ये आपको एल्बम दिखाया और मैंने वीडियोस में दिखाया, और इसके अंदर जो फोटोग्राफ्स हैं मैंने कहा कि ऑलरेडी 1 लाख फोटोग्राफ के ऊपर हो गई हैं। तो आप इसमें अगर आप और स्क्रॉल करते जाएंगे, जितनी चाहे करते जाएं फोटोग्राफ्स। और हमने इसमें एक चीज़ और भी की है मैम, मैं इसमें ये एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, ये आर्यन है हमारे एक मेंबर, ये उन्होंने वेस्ट पेपर से बनाया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की क्रिएटिविटी भी हम यहाँ कोशिश करते हैं कैटर करने के लिए और ट्रिगर करने की। तो इसी तरह मैं आपको जो आपने पोस्टर आपका देखा है बनाया हुआ, वो पोस्टर भी पेंसिल स्केच किया हुआ है, ये वाला पोस्टर जो है ये पेंसिल स्केच किया हुआ है पोस्टर। तो इस तरह हम आर्टिस्ट को भी साथ बढ़ावा देते हैं ताकि वो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के अंदर, अपनी बायोडाइवर्सिटी के अंदर काम कर सकें और बातचीत कर सकें। हमारे यहाँ बहुत सारी डिस्कशंस भी होती हैं, बहुत सारे जगह वेबिनार्स भी होते हैं, सेमिनार्स भी लगातार हम लगे रहते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो है हमारे पब्लिकेशंस। तो आप ये देख सकते हैं फाइल सेक्शन के अंदर ये सारी हमारी हैं यहाँ पे, और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब, मतलब मैंने उस दिन पहले भी कहा था कि दैट कि कोई इसके चार्जेस नहीं है, पूरी तरह से ओपन एक्सेस है इसकी, कोई भी इसको क्लिक करके इसके अंदर से काम कर सकता है। ये मैं आपको एक खोल लेते हैं हम एक फाइल, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का वर्जन हम लोग करते हैं। एक किताब मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, ये संरक्षण हमारा एक मैगजीन है जो हर महीने हम लोग निकालते हैं, और इस मैगजीन में आप देख सकते हैं ये फरवरी का इशू है, अभी मार्च का इशू हमारा बन रहा है, वो रिलीज़ हो जाएगा। मैं थोड़ा इसका साइज़ कम कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपर देख पाएँ। ये मैगजीन है, इसके अंदर ये हमारी टीम है, और हम लोग हर महीने एक प्रोफाइल फीचर करते हैं, कहीं दूर दराज के लोगों को भी हम लेके आते हैं इसमें। जैसे डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी का प्रोफाइल है, जिन्होंने एक ऐसी आर्मी बनाई है स्त्रियों की वहाँ पे, जो कि एक खास बर्ड जो वहाँ मिलता है उसको बचाने के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। तो इस तरह कैसे उन्होंने क्या क्या काम किया है, किस तरह का आगे एनजीओ चला रहे हैं, किस तरह का उन्होंने प्रयास किया है, ये वो बर्ड है जिसको बचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आते हैं, और ये एक पेपर है मेडिसिनल, ये हमने एक पेपर लास्ट किया था अंडरस्टैंडिंग बोटैनिकल नेम्स ऑफ प्लांट्स। तो बोटैनिकल नेम कैसे बनते हैं, किस तरह से किए जाते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेपर था। बड़ा यूजफुल पेपर है जो हमारे अटेंड कर रहे हैं सेमिनार उनके लिए भी। और ये स्नेक पिक ऑफ द मंथ है, जैसे इसी तरह ये ग्लासी ब्लू टाइगर्स का एक हमने बटरफ्लाई ऑफ द मंथ का किया था, कि टाइगर्स बटरफ्लाई जो होती हैं उसके ऊपर हमने यहाँ पे लिया था, और उसका पूरा लाइफ साइकिल यहाँ डेमोस्ट्रेट किया था यहाँ पे।
आप देख सकते हैं कैसे एग है, फिर कैटरपिलर है, फिर कैटरपिलर के बाद प्यूपा बनता है, और फिर वो प्यूपा स्टेज में जाके फिर वो हैच होता है वहां से। तो इस लेवल का जो काम है, ये काम भी यहाँ ग्रुप में होता है, और आप अगर पाएंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी प्रोफेसर से मिलना पड़े तो बहुत सारा समय भी लग जाता है, लेकिन अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे उनसे मिला जाए तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ये प्रोफेसर सवराज राज जी हैं जिन्होंने ये बटरफ्लाई के ऊपर काम किया, और ये मेडिसिनल प्लांट ऑफ द मंथ है अश्वगंधा का, तो जिसमें हमने इस तरह की पेपर पब्लिश किए। तो ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है, सभी जो सुनने वाले हैं हमारे शामिल हैं स्टूडेंट्स भी, तो जिनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आके हमारे साथ इस तरह के जुड़ के भी काम कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको ग्रुप और बहुत फास्ट तेजी से दिखाया ग्रुप आपको। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आइडेंटिफिकेशन के ऊपर चर्चा हो रही है, बहुत सारी और भी इसमें काफ़ी चीज़ें शामिल हैं। तो डेफिनेटली उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में भी किसी दिन मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, तो मे भी शायद इसी संडे को हम लोग शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको सबको इनवाइट भी करूंगा उसमें। तो उम्मीद है कि ये ग्रुप आपने देखा और इस ग्रुप को आप जुड़ेंगे भी, हम सब साथ बैठेंगे, साथ बैठ के जो जो हमारा योगदान होगा हम उस योगदान को आगे करेंगे। इसी के साथ जो आज का प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से हम अपना आज की सभा को विदा लेने का समय आ गया है हमें। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले मैं उनसे पूछ लूं, अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो प्लीज आप मीटिंग छोड़ सकते हैं, अगर आपका प्रश्न है या आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो अभी एक बार माइक ऑन कर लें, हम 10 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद हम आपको कहेंगे प्लीज फिर आप मीटिंग लीव कर। अभी सर जैसे आपने कहा कि जी स्पाइक्रस का जो इंजीनियरिंग है वो अच्छी थी, तो जी उसी बेसिस पे 1 से 3 दशक का 2 से 3 दशक तो आप जानते ही होंगे, जी वो जी जी सुफिज्म के उन्होंने भी लिखा है कि जो बंदे के हाथों वर्गा कोई औजार नहीं बने है, वाह क्या इतना बात सब बन गया लेकिन कुदरत का उपकार नहीं बने, है बहुत बढ़िया और बहुत ये बढ़िया। इंसान के हाथों जैसा कोई भी टूल नहीं है लेकिन कुदरत के वो जो भी है वो कुदरत से आगे नहीं है कुछ भी। देख ये बहुत कमाल की चीज लिखी है उन्होंने, बहुत कमाल की चीज। तो सर जैसे अभी आपने यहाँ पे बात की थी कि इस सिटीज में हमारे पास पैसा होगा, हम रहेंगे कैसे, हमें जो जितना भी कमाएंगे हम हॉस्पिटल में लगा देंगे, ऐसे ही मैं चंडीगढ़ जब स्कूल जाता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं ऑटो में हूँ और लोग कारों में, तो मैं कारपूल जो कारपूल का यूज कर रहा हूँ मैं, एक के साथ काफी सारे होते हैं जैसे, लेकिन वहाँ पे 5 सीटर है कार और वहाँ पे 6 सीटर है, वो उनके पास पैसा जरूर है लेकिन वो इतने खुश नहीं है, वो एक कार में सिंगल ही बंदा है और वो पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, भीड़ ज्यादा कर रहे हैं जी उसके ऊपर नेचर, मेरे हिसाब से उनको कारपूल का यूज करना चाहिए। साहिल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा और जितने भी सुनने वाले उनसे कहना चाहूंगा कि मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। तो हम आपको, मैं और कमलप्रीत मैम जी आपको ऐसी कुछ चीजें बताएंगे कि जो बिना पैसे के भी की जा सकती है, क्राउड सोर्सिंग में कैसे किया जा सकता है। तो मैं डेफिनेटली मैं जब मेरा नेक्स्ट सेशन होगा मैं उसमें सोशल सब्सटेंस और नेचुरल बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक पैसा भी ग्रांट का नहीं लेते हैं कहीं किसी से भी, ना ही किसी को कहते हैं कि आप ग्रांट दीजिए, लेकिन उसके बावजूद हम जितना कर सकते हैं, जितना हमें आता है, जितना हमने सीखा है, उतना हम कैसे करने के बाद किस तरह से लोग जुड़ते जाते हैं और काम होता जाता है। मैं साहिल जरूर चाहूंगा कि आपसे जरूर मैं दोबारा बात करूं और आपको मैं बताऊं कि आप अभी ही इसी पल से क्या क्या कर सकते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आप जो कर रहे हैं उसी में से हम एनवायरनमेंट को अच्छा कैसे कर सकते हैं, यही सीखने की बात है, वही सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। तो डेफिनेटली साहिल आपसे जरूर मैं दोबारा बात करना चाहूंगा इस टॉपिक के ऊपर। जी तो इसी के साथ मुझे लगता है कि और किसी का कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं है, और मैं जितने भी हमारे लाइव देख सुन रहे हैं फेसबुक के ऊपर, मैं उन्हीं से कहूँगा कि आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके सामने वो कंटेंट लाया जाए, वो बात लाई जाए जिसका फ़ायदा हम सबको है, हम सबके साथ जुड़ा हुआ है, और आप भी, आपका स्वागत है, आप आइए जुड़िए हमारे साथ, और भी बहुत सारी काम की बातें होंगी। परसों आपसे दोबारा मुलाकात होगी, हम इसी विषय को और कंटिन्यू